बैक टू जेन्युइन रिव्यू. कैसे हैं आप सब दोस्तों? आज मैं जिस लिप कलर का रिव्यू करूंगी वो मैं आपको बताती हूं कौन सा है. ये है मेरे पास मेबेलिन न्यूयॉर्क का कलर शो की मैट क्रीमी लिपस्टिक्स. आज हम इनके बारे में बात करेंगे. मेरे पास इसके दो शेड हैं गाइस, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसके पैकिंग से. दोस्तों इसकी पैकिंग बड़ी सिंपल सी है, एक ब्लैक कलर के पैकिंग में ये आता है और नीचे यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टिकर है जिसमें इसके लिपस्टिक का शेड MFG और कलर वगैरह लिखा हुआ है कि कौन सा कलर ये है, कौन सी लिपस्टिक है ये. इसके अलावा ये कुछ इस तरह की इन्फॉर्मेशन भी दे देता है जिसमें इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है लिपस्टिक के बारे में. ये दो शेड्स दोस्तों मेरे पास हैं, तो पहले मैं बात कर लेती हूँ कि कौन कौन से शेड्स हैं. शेड है M203 हॉट चिली एंड द अदर शेड इज 109 वॉयलेट फ्यूजन. तो जैसे ये नाम से पता चल रहा है हॉट चिली कुछ रेडिश शेड में है और जो वॉयलेट फ्यूजन है थोड़ा सा वॉयलेट कलर अपने आप में लिए हुए. वैसे मैं आपको बता दूं कि मेबेलिन की जो ये कलर लिप कलर रेंज है इसमें बहुत सारी रेंज आई हुई है दोस्तों कलर्स में. इसमें न्यूड शेड्स भी बहुत है, ब्राउन न्यूड्स है और इसमें रेड भी आपको जाएंगे, पीच शेड्स भी बहुत सारे आते हैं. काफी अच्छी कलर रेंज के साथ की लिपस्टिक मार्केट में आई है और जो मेरे पास दो शेड हैं वो मैंने ये आपको दिखाए हैं. इसकी क्वांटिटी दोस्तों 3.9 ग्राम की हमें यहाँ क्वांटिटी मिल जाती है और इसका मार्केट प्राइस है 325 रुपीज. लेकिन अगर आप इसे ऑनलाइन खरीदना चाहते हैं तो ये ऑलवेज इन सेल रहती है गाइस, तो आप इसे 245 से लेके 325 तक आप इसे इजीली ले सकते हैं सेल में. ये लिपस्टिक गाइस आ जाती हैं 36 मंथ्स की शेल्फ लाइफ के साथ, तो शेल्फ लाइफ इसकी काफी अच्छी है. जो कलर रेंज भी है वो काफी अच्छी है. एक चीज दोस्तों मैं इसमें बताना चाहती हूँ कि जैसे ये मेरा वॉयलेट कलर है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो इसका प्लास्टिक है उसका कलर भी ऐसा ही है. जो मेरी दूसरी लिपस्टिक है उसका शेड रेड सा है और इसमें देख सकते हैं आप यहाँ पैकिंग में रेड कलर दिया हुआ है. तो थोड़ा बहुत गाइस आपको इसकी पैकिंग देख के ही आइडिया हो सकता है कि हमारा इंटरनल जो कलर है इसका लिपस्टिक का एक्चुअल शेड किस तरह का होगा. जैसे ये थोड़ा सा पर्पल है तो इसमें थोड़ा सा पिंकिश पर्पल शेड है और ये रेडिश है तो इसमें थोड़ा सा आपको यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे रेड शेड दिया हुआ है इन्होंने. चलिए गाइस अब हम देख लेते हैं इनके स्वेचेस के ये कलर अप्लाई करके कैसे लगते हैं. लेकिन मैं अप्लाई करने से पहले आपको एक बात बता दूं कि ये कलर हाईली पिगमेंटेड नहीं है और ना ही ये कंप्लीट मैट है दोस्तों. ये क्रीमी मैट में आपको आ जाएगी लेकिन आपके लिप्स पे ये काफ़ी अच्छा फील होती है, बहुत मॉइस्चराइजिंग लिपस्टिक लगती है. और अगर मैं इसके बारे में बताऊं कि ये ट्रांसफ़र होती है कि नहीं, तो ये डेफिनेटली ट्रांसफ़र होती है और 3 to 4 आवर्स में गाइस ये बिल्कुल आपकी निकल जाएगी. आपको इसको री स्वैच करना पड़ेगा, आपको इसको री अप्लाई करना पड़ेगा अपने लिप्स पे क्योंकि ये 3 to 4 आवर्स मैक्सिमम स्टे करती है. कम्प्लीटली मैट इसे दोस्तों नहीं कह सकते हम क्योंकि ये कम्प्लीटली मैट लिपस्टिक नहीं है. लेकिन दोस्तों जो इसकी कलर रेंज है वो काफ़ी अच्छी कलर रेंज है. आपको अपने लिए कोई ना कोई एक परफेक्ट शेड तो ज़रूर मिल जाएगा क्योंकि इसके शेड्स में बहुत बड़ी रेंज है, इसके शेड्स में बहुत सारी वेराइटी है. सो आप इसे ज़रूर से ट्राई कीजिएगा. चलिए आप देखिए स्वेच है रेड चिली का जो आप देख सकते हैं यहाँ पे. जो दूसरा स्वेच मैं आपको करके दिखा रही हूँ ये देखिए, ये है वॉयलेट फ्यूजन का और काफी ग्लाइडिंग हो जाती है लिप्स पे. गाइस मैंने आपको दिखाया ये दो शेड जिसमें रेड चिली और वॉयलेट फ्यूजन है. वॉयलेट फ्यूजन में आप शाइन आराम से देख सकते हैं लेकिन रेड चिली में थोड़ी शाइन कम है. लेकिन लगाने के आधा ही घंटे के बाद ये थोड़े धीरे धीरे मैट होना शुरू हो जाती है. लेकिन जो इसके शेड्स हैं दोस्तों वाकई तारीफ के काबिल हैं, बहुत प्यारे शेड्स हैं इस लिपस्टिक के. गाइज आई होप आपको ये लिपस्टिक अच्छी लगी होंगी और इनके जो शेड्स हैं वो भी अच्छे लगे होंगे. अगर आपको ये शेड्स अच्छे लगे हैं या फिर आपके पास ऑलरेडी है प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपको ये शेड्स कैसे लगते हैं या ये लिपस्टिक कैसी लगती है. मेरे ख्याल से ये काफ़ी अच्छी लिपस्टिक है अच्छी रेंज में, तो आप इसे ज़रूर से ट्राई कर सकते हैं. फिर से मिलूंगे आपके साथ एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय.